हाय दोस्तों, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज के व्लॉग में दोस्तों आप लोग को कदम के पेड़ के बारे में दोस्तों जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ठीक है। तो अभी मैं आया हुआ हूँ दोस्तों, देख सकते हैं रोड के किनारे पर दोस्तों कदम के पेड़ हैं, ये देख सकते हैं। मैंने कदम के पेड़ को देखा तो सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, दोस्तों को जानकारी दिया जाए। कदम के पेड़ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी का वास होता है। अगर इसको घर में लगाते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, ठीक है, और शुभ कार्य होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये देखिए कदम के पेड़ हैं, ये देखिए पीछे भी काफ़ी पेड़ हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा है, ठीक है, और मैं कुछ काम से कांचने के लिए जा रहा था तो मैंने सोचा व्लॉग बनाया जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर व्लॉग दिखाता हूँ, ठीक है। व्लॉग के साथ साथ दोस्तों मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी इस चैनल पे देता रहता हूँ, तो चाहें तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोग को कदम के पेड़ के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। ये देखिए कदम का पेड़, ये देखिए दोस्तों कदम का पेड़ है ये, ठीक है। और इस पे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि फल भी लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगते हैं कदम के पेड़, जिसको काफ़ी लोग शरीफा भी बोलते हैं, लेकिन शरीफा नहीं लगते हैं, इस पे कदम के फल लगते हैं जो कि कांटे नुमा फल होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस का जो होता है ना आकार जैसा, ऐसे ही कुछ इस पर फल लगते हैं, ठीक है। मैंने भी खाया, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, खट्टे मीठे। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी मच्छर हर मुझे मच्छर अटैक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों ये कदम का पेड़ है और इस पर फल अभी नहीं लगे हुए हैं, इस पर जो फल लगते हैं वो सर्दियों के दिन में लगते हैं दोस्तों, जैसे कि जनवरी फरवरी के महीने में, ठीक है। और पकने पर दोस्तों लाल रंग के कुछ नारंगी जैसे फल हो जाते हैं और कच्चे रहने पर हरे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इसके फल को। तो दोस्तों इसका जो पौधा है अगर आप लोग घर पे लगाते हैं ना छोटा सा पौधा, तो दोस्तों बहुत ही शुभ होता है, ठीक है। और इसकी पूजा करने से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का वास होता है घर में, तो आप लोग इस पौधे को अपने घर पे लगा सकते हैं, ठीक है। छोटा सा पौधा आप लोग ले आएँ या इसकी कलम को ले जा करके काट करके दोस्तों अपने घर पे भी इसे भी उगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस पौधे को लगाएं तो कभी भी दोस्तों एक गलती नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि कभी भी इस पौधे के पास में कोई भी बाथरूम वगैरह ना करे गलती से भी, ठीक है। और जैसे कि कोई बच्चा जैसे कि बाथरूम कर देता है गलती से, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि थूक देते हैं कुछ लोग आकर के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और कहीं भी थूक दिया, तो ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। पूजा करना है जिस तरीके से आप लोग पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग के घर में भगवान श्री कृष्ण का जो भी पूजा करते हैं बहुत जल्दी दोस्तों विराजमान होते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, इस पौधे को अगर घर में लगाया जाए। दोस्तों ये जो फल है इसकी छाल दोस्तों जड़ी बूटी में भी इस्तेमाल की जाती है, इसके फल को, इसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके फल के ऊपर इसके छाल के ऊपर वीडियो लाऊं इसके पत्ते के ऊपर, तो आप लोग एक कमेंट कर दें प्यारा सा, मैं इसके ऊपर भी दोस्तों एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ग्रेटर नोएडा है, देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं बराबर में से, हाईवे है, ठीक है। ऊपर भी बहुत भयंकर रास्ता है, ऊपर आगरे का हाईवे है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, मिलते हैं किसी और जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद।